बलरामपुर जिले में पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों के कारण कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कलेक्टर ने आरटीओ एनएच और यातायात की बैठक ली। गौरतलब है कि दुर्घटना के मामले में पूरे प्रदेश में बलरामपुर जिला दूसरे नंबर पर आ गया है और कोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें 11% की बढ़ोतरी भी हुई है। अंबिकापुर से रामानुजगंज तक लगभग 110 किलोमीटर तक एनएच है और ज्यादातर हादसे इसी सड़क में होता है। कलेक्टर ने सभाकक्ष में पहले आरटीओ को काम में लापरवाही के चलते जमकर फटकार लगाई और फिर एनएच के अधिकारियों को भी खुद सुनाया। कलेक्टर ने जब आरटीओ अधिकारी से एनएच में ब्लैक पॉइंट के बारे में पूछा तो उन्होंने एक भी ब्लैक पॉइंट नहीं होने की बात कह दी। इसी में कलेक्टर ने उन्हें फटकार लगाते हुए जानकारी दुरुस्त करने की बात कही। रोड सेफ्टी की बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी सड़कों के बारे में जानकारी मांगी है और संबंधित सभी अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया। कलेक्टर ने कहा कि मीटिंग में आरटीओ अधिकारी को नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है, साथ ही सड़क में उतरकर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं जिसके तहत हर क्वार्टर में रोड सेफ्टी कमेटी है जिले में, उसकी बैठक करनी होती है और उसी के तहत आज ये बैठक की गई है कि इसमें जो हमारे जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एनएच के अंतर्गत आता है, उसके बाद रोड्स हैं, एमडीआर हैं, रूरल रोड्स हैं, उसमें एक्सीडेंट किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकें, रोड के कंडीशंस जो हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकें और आने वाले समय में जो पिछली घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं से सबक लेते हुए कैसे बड़े एक्सीडेंट या बड़े हादसे को रोका जा सके, इसी के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग थी जिसमें एनएच के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग, आरटीओ और सभी इसमें शहर के जो गणमान्य लोग हैं, मीडिया के सभी साथी लोग उपस्थित थे। इसमें सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें एक तरफ जहाँ तक तो सड़क की स्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण है और दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी आरटीओ जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होते हैं तो सड़क पे जो यातायात हैं वो भले ही ट्रक हो, बस हो या दूसरे व्हीकल्स हैं या हमारे लाइसेंसिंग सिस्टम है उस पर एक सतत निगरानी रखने की ज़रूरत है और जो भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनको उसके लिए दंडित करने का आवश्यकता है। तो मैंने आज इस मीटिंग के माध्यम से उनको बताया है कि किस तरह से इन्फोर्समेंट एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि एक मैसेज लोगों में जाए, जो वायलेटर्स हैं उनको पनिश किया जाएगा।